हाय फ्रेंड, मैं हूँ संजय और आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको 20x50 1000 स्क्वायर फीट पर चल रहे एक निर्माण कार्य के बारे में दिखाऊंगा। साथ साथ यहाँ पर जो हॉल, बेडरूम, किचन दिया गया है उसके साइज बताऊंगा और जो कॉलम साइज है वहाँ और यहाँ पर कितने कॉलम पर इसको बनाया जा रहा है और अब तक यहाँ पर जो खर्चा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 20x50 1000 स्क्वायर फीट पर चल रही मकान की प्लानिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का यहाँ पर फ्रंट है वहाँ 20 और इसकी जो गहराई है यहाँ पर 50, 1000 स्क्वायर फीट पर इसकी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है और यहाँ बनाया जा रहा है। पूर्व दिशा में इसको बनाया जा रहा है और यहाँ पर रोड से लेकर यहाँ पर जो प्लेन तक यहाँ पर ज़मीन है आप देख सकते हैं इसकी 1 फीट की इसकी हाइट को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर जगह नीची है। इसकी भर्ती आप देख सकते हैं 3.5 फीट के करीब इसकी भर्ती को यहाँ पर किया गया है। प्लेन आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फ्रंट पे आपको 3 कलम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूँ यहाँ पर जो कालम है यहाँ पर 13 कालम पर इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर के बाहर यहाँ पर बनाई जा रही है गाड़ी पार्किंग फ्रंट में। इस गाड़ी पार्किंग का जो साइज़ है 9.5x19 इस गाड़ी पार्किंग के साइज़ को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर बनाया जा रहा है छोटा सा गार्डन, यहाँ पर आप हरे पेड़ पौधे आप यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि मकान की सुंदरता और भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर जो गार्डन है 10x5 इस गार्डन के साइड को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहीं से आपको एक जीना आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो जगह रखी गई है यहाँ बाहर के बाहर जीना यहाँ पर से होते हुए जीना दूसरी मंजिल के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी पार्किंग है यहाँ पर पूरी जगह को सेफ रहा जाएगा, इस पर से इसको जीना यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और यहीं पर आपको एक मेन गेट आपको यहाँ पर हाल पर बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा। इस मेन गेट का जो साइज़ यहाँ पर रखा गया है 3.5 फीट का एक गेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसकी जो हाइट को आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर 8 इंच की हाइट को यहाँ पर दिया गया है 15x10 इस हाल के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर चल रहा है कालम भर्ती का काम आप देख सकते हैं। वही हमारे रमेश भैया ठेकेदार हैं जूनियर को यहाँ पर काम चल रहा है। आपको ये काम पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहीं पर आपको एक बेडरूम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 10x11 इस बेडरूम के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहीं पर आपको विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 5x4 इस विंडो को साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। बाहर के बाहर यहीं पर से जीना, गार्डन, गाड़ी पार्किंग यहाँ से ताकि इसका जो उजाला है हवा इस बेडरूम पर यहाँ पर आ सके। और यहीं पर से आपको बेडरूम पर से आपको यहाँ देखेंगे आपके हॉल पर एक गेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको लेट बाथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 4x7 इस लेट बाथ साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस बेडरूम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बेडरूम के लिए एक लेट बाथ इसको यहाँ पर बनाई जा रही है और एक इस बेडरूम के लिए एक लेट बाथ को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो 12x10 इस बेडरूम के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया बेडरूम। तो आपको यहाँ पर बेडरूम और यहीं पर पास में आपको यहाँ पर एक किचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर से हाल से हो तो आपको यहाँ पर एक बेडरूम यहीं पर और यहीं पर लेट बाथ एक इस बेडरूम से अटैच और एक इस बेडरूम से अटैच यहाँ पर बनाई जा रही है। और यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेफ्टी टैंक और एक पानी का टैंक यहाँ पर आपको बाहर देखने को मिलेगा। और यहीं पर बनाया जा रहा है किचन इस हाल से अटैच इस किचन को यहाँ पर बनाया जा रहा है 8x7 इस किचन के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहीं पर आपको एक विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जगह दी गई है यहाँ पर एक दीवार उठकर यहाँ पर एक वेंटिलेशन बनाया जाएगा ताकि जो उसका जो उजाला है उस बेडरूम पर वो यहाँ पर किचन पर आ सके। तो आप देख सकते हैं गाड़ी पार्किंग, गार्डन छोटा सा, बाहर के बाहर जीना और 2 बेडरूम और एक हॉल और एक किचन के साथ इसके यहाँ पर प्लानिंग यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर अब तक जो खर्चा है वहाँ करीबन
3 लाख रुपये यहाँ पर लग चुका है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।